नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल RK एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको SSC CGL 2022 की जो वैकेंसी थी उसके लिए अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है और आपका पेमेंट भी कर दिया है तो भी अगर आपका फॉर्म कंटेंट नॉट वेरीफाई बता रहा है, आपके फार्म अगर फार्म स्टेटर या अप्लीकेशन स्टेटर आप चेक कर रहे हैं तो उसमें कंटेंट नॉट वेरीफाई बता रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, कैन नॉट वेरीफाई का मतलब क्या होता है, आज के इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल के साथ बताऊंगा। उसके बाद भी आपको फार्म भी चेक करना बताऊंगा कि आपको अपना फार्म कैसे चेक करना है कि आपका फार्म कंटेंट नॉट वेरीफाई बता रहा है या एक्सेप्ट बता रहा है या इनकम्प्लीट बता रहा है। अगर आपका फार्म एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है आज की इस वीडियो में आपको देखने के बाद दोस्त कन्फर्म पता चल जाएगा। तो दोस्त चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलती रहे और आप वीडियो देखकर हेल्प ले सकें। तो चलिए दोस्तों, आपको सर्वप्रथम आना है मोबाइल स्क्रीन में। उसके बाद आपको मोबाइल स्क्रीन में आने के बाद किसी भी गूगल क्रोम ब्राउजर में SSC डाल के सर्च कर लेना है। जैसे दोस्त आप SSC डाल के सर्च करोगे तो यहाँ फर्स्ट जो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो दोस्त तो इसकी ऑफिशियल साइट जो SSC की ऑफिशियल साइट होती है जहाँ से आप फार्म अप्लाई किए होंगे वहाँ पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। फार्म अप्लाई किए होंगे और अपना फीस पेमेंट भी वहीं से आप किए होंगे तो आप फार्म अप्लाई करते समय आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर उसके बाद पासवर्ड फिल करने का ऑप्शन आया होगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल में ईमेल पे या आपके मोबाइल में आया होगा मैसेज, तो आपको इसे डेस्कटॉप मोड साइड में ओपन कर लेना है। डेस्कटॉप मोड साइड में इस साइड को ओपन करोगे दोस्त तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो आपको यहाँ राइट साइड में लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल या ईमेल पे गया है उसको लाकर यहाँ फिल कर देना, उसके बाद पासवर्ड फिल कर देना, उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड फिल करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ आप कैप्चा कोड आसानी से फिल कर सकते हो। तो यहाँ आपको कैप्चा कोड फिल कर देना है। कैप्चा कोड जैसे दोस्त फिल करते हो तो आपकी प्रोफाइल जो है लॉगिन करने पे ओपन हो जाएगी, आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन 2022 जो CGL की वैकेंसी है, तो यहाँ आपको एप्लीकेशन स्टेटस, फार्म स्टेटस बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ से आपको हम चेक करना बताते हैं कि एप्लीकेशन स्टेटस, देखिए दोस्त एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन 2022, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कंप्लीट। तो अभी हमने जल्द में पेमेंट किया है तो हमारा पेमेंट का ऑप्शन जो है यहाँ पर इनकम्प्लीट दिखाई दे रहा है और बाकी सभी कंटेंट नॉट वेरीफाइड का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्त यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस हमारा इनकम्प्लीट बता रहा है जिससे कि अभी हम पेमेंट जल्द में किए हैं। पेमेंट अगर आपका 48 घंटे के बाद या 2 दिन लग सकता है आपका पेमेंट अपलोड होने पर, क्योंकि SSC बहुत बड़ी साइट होती है, इसमें बहुत सारे पेमेंट होता है, तो इसका जो है फार्म एक्सेप्ट होने में 2 दिन लग जाता है आपका पेमेंट एक्सेप्ट होने पे। तो यहाँ पर आपको जो है अपना कंटेंट नॉट वेरीफाई ऑप्शन यहाँ पर सभी कुछ यहाँ आपको अपलोड हुआ होगा, उसके बाद यहाँ कंप्लीट आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद ब्रैकेट में यहाँ कंटेंट नॉट वेरीफाई का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एप्लीकेशन स्टेटस कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन 2022, उसके बाद यहाँ पर आपको कंप्लीट दिखाई दे रहा है, फोटो सिग्नेचर अपलोड दिखाई दे रहा है, उसके बाद कंप्लीट दिखाई दे रहा है, अप्लाई फार्म कंप्लीट दिखाई दे रहा है, उसके बाद यहाँ पर पेमेंट स्टेटस इनकम्प्लीट बता रहा है। यह जो बता रहा है हम जल्द में पेमेंट किए हैं, जो अभी एक ही हावर हुआ है हमारा पेमेंट हुए, तो हमारा पेमेंट अपलोड होने में कुछ समय लगेगा। तो यहाँ पर आपको देखिए दोस्त यहाँ कंटेंट्स नॉट वेरीफाई का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा हो, इसका मतलब ये होता है दोस्त कि आपका फार्म तो एक्सेप्ट हो जाएगा अगर आपने पूरी डिटेल जो है आप बढ़िया से फिल कर दिए हैं तो आपको कुछ भी डर नहीं है। आप बढ़िया से अपना फार्म पूरा फार्म स्टेटस एक बार चेक कर लेना, अगर आपका फार्म बढ़िया दिखाई दे रहा है तो कंटेंट वेरीफाई का ऑप्शन ये मतलब होता है कि अभी जो है SSC की साइट पर अभी अपलोड किया है, जब आपका एडमिट कार्ड स्टेटस आएगा तो उसमें आपको पता लगेगा कि फार्म आपका एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं। सभी जितने भी फार्म फिल किए गए हैं सभी के फार्म में ये ऑप्शन दिखाई देगा, तो इससे कोई डर नहीं है। आपका फार्म जो है अगर आपने सभी कुछ फिल किया है तो आपका जो फार्म है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, आपको इसे एडिट नहीं करना है दोस्तों, नहीं तो आपको डबल पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपका फार्म अगर जितने भी बार आप अपना जो है एडिट करके आपको अपलोड करोगे तो आप में जो है ये कंटेंट नॉट वेरीफाई का ऑप्शन आएगा ही दोस्त, तो आपको जो है एडमिट कार्ड जब आएगा तो उसमें आपको कन्फर्म पता चल जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्त कि आज के इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल पे बने रहिए। थैंक यू दोस्त।